अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरान और इसकी हम टाइमिंग बांध रहे थे तो हमने सोचा शेयर करते चले। तो इसकी टाइमिंग देख लें, यहाँ पर इसकी टाइमिंग मार्क होता है इसका और कार्टून भी है इसका। ये इसका एरो है, ये इस एरो से इसको मिलाना है पिस्टन टॉप पर है और ऊपर का जो है वो इस निशान पे होगा, इस मार्क पे। और यहाँ पर देखें अगर तो ये 88 डॉट बना हुआ है, यहाँ पे भी एक एरो है नीचे, इससे इसको मिलाना है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग लाजमी चेक करें, तो आपके पास इसका कैप होगा, कैप ऐसे लगा लें पहले। ये इसका फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है, इसका रूटर यहाँ पर आ रहा है। और इसकी अगर पॉइंट का वो देखें तो ये खुल, ये देखें ना, ये इस तरह अगर हल्का सा राउंड करेंगे तो खुलने के उसमें होगा। और इसको सेंटर में रखना है, हमने इसको सेंटर में रखकर इसकी गैप को रखना है, फिर इसको इस तरह चेक करना है, देखें खुलने की पोजीशन में, ठीक है। तो ये इस तरह हो गई इसकी टाइमिंग। और केम की अगर मैं दिखा सकूं तो केम दूसरे नंबर का, इसका जो एग्जॉस्ट साइड का टैपेट है वो थोड़ा सा टाइट होगा और ये लूज होंगे, ठीक है, क्योंकि ये फायरिंग ऑर्डर पे रख रहे हैं हम, तो ये सेक्शन पोजीशन में नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटैक वॉल खुलने की पोजीशन में होगा, तो ये खुलने की पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि फायरिंग ऑर्डर के साथ अगर सेक्शन पोजीशन होगा तो टाइमिंग आउट होगी, ठीक है। अगर ये 88 ऊपर अगर आप बांधते हैं तो सेक्शन पोजीशन होगा, अगर वहाँ आप टाइमिंग बांध देंगे तो टाइमिंग आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप टाइमिंग इस पर बांध देंगे, 88 जो है उस पर डॉट जो है वो इस पर लगाएंगे और एग्जॉस्ट जो है वो दबने की पोजीशन में होगा एग्जॉस्ट की। थैंक यू।